Para bozdu. Oh. Yedi de tri. मेरा नाम रूपमत भट्ट, वल्लभगिनी भट्ट, हम साधनकुला वतलार में रहते हैं। कल 4 बजे चार कुत्तों ने हमारे गाय खाने में दाखिल हुए और वहाँ पे हमारे 33 भेड़ और एक बकरी थी, तो सबों को ज़ख्मी किया। उनमें से 4 भेड़ और एक बकरी को एक उसी वक्त मार दिया और जो 14-15 तकरीबन क्रिटिकल है वो तो मरने के करीब है, तो और बाकी जो है वो भी सारे के सारे ज़ख्मी है। SHO लार साहब ने एक टीम भेजी थी, उन्होंने मौके का जायज़ा लिया और जो शीप हस्बेंड्री है उनके हम बहुत ही मशहूर है कि वो मौके पर पहुँच कर डॉक्टर साहिबान आए थे और उनके जो बाकी अमला था वो कल तकरीबन 11 बजे तक यहाँ थे। उन्होंने फर्स्ट एड में उनको ट्रीटमेंट किया और आज सुबह भी यहाँ डॉक्टरों की एक टीम आई थी, उन्होंने भी कुछ सैंपल लिए और बहुत ही अच्छी तरीके से अब भी इलाज कर रहे हैं, उनके हम मशहूर हैं। लेकिन बाकी अभी तक यहाँ कोई नहीं पहुँचा। 10-20 तो नहीं बच सकते हैं, 5-10 तो बचेंगे इंशाल्लाह। गवर्नमेंट से एक गुजारिश है कि पिछले तकरीबन 1 महीने से यहाँ से हमारे लोकल टीम में तकरीबन 80-100 के करीब इन्होंने भेड़ बकरियाँ खाई है इन कुत्तों ने, जो कि म्यूनसिपलिटी की हदूद से ला के उठा के यहाँ हमारे इन इलाकों में डालते हैं। ये बहुत ही बड़े झुंड होते हैं, इन्होंने हमारे को यहाँ तकरीबन लाखों में नुकसान किया है। अब ना इनको कोई तदारुक ये करते हैं ना कुछ, अगर इनका कुछ तदारुक होगा तो हम कुछ राहत की सांस लेंगे। लेकिन कल बदकिस्मत की वजह से हमारे गाय खाने में जो 4 कुत्तों ने बहुत ही नुकसान किया वो भी तकरीबन 4 से 5 लाख तक होगा। जी मैं डॉक्टर रियाज हूँ, मैं बहसीत ये असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर महकमे शीप हस्बेंड्री में काम कर रहा हूँ। तो हमें इतला दी गई कल देर रात को कि यहाँ पे वतलार में अब्दुल गनी भट्ट हैं करके एक प्रोग्रेस ब्रीडर, उनके यहाँ डॉग्स ने अटैक करके कुछ भेड़ों को ज़ख्मी किया है, कुछ ऑन स्पॉट ही उनकी डेथ हो गई है। तो आज हम सुबह सवेरे यहाँ मौका करने के लिए पहुँच गए तो यहाँ पर हमने पाया कि 4 एनिमल जो है उनकी डेथ हो गई है ऑन स्पॉट ही।